ये है लखनऊ, नवाबों का शहर, और ये है यहाँ के नवाब। इनका कल एग्जाम है और ये अभी मूवी देख रहे हैं। बता सकता पर नाम मेल खाता है वुल्वरीन से। एक और बात, सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा है। सच में? यस सर। तो बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं? तुम बात कैसे कर रही हो? कौन हो तुम? मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और टाइम मशीन चलाने में मदद करती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टिमी है। टिमी, तो बताओ आप कहाँ जाओगे, पास्ट या फ्यूचर? पास्ट में भी जा सकते हैं क्या? हाँ सर, पास्ट में बाद में जाएंगे, अभी के लिए फ्यूचर में चलो। आप फ्यूचर में कितना आगे जाना चाहते हैं? आगे 2050 नहीं 2070 में चलो। ओके सर। आप 2070 में आ गए। यहाँ भविष्य की दुनिया में कोई इंसान क्यों नहीं दिख रहा? लगता है प्रोड्यूसर के पास बजट की कमी है। हाँ, छोटे मोटे यूट्यूबर के साथ तो यही प्रॉब्लम होती है। हेलो। यस, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम अभी कहाँ हैं? हम अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ? हाँ यार, लखनऊ। और अभी साल कौन सा चल रहा है? अभी साल 2070 चल रहा है। 2070? हाँ यार, 2070। ओके, थैंक यू, बाय। हैं? ये किसके प्यार में पागल था जो बदलती दुनिया में इतना पीछे रह गया? फोन लॉन्च करने जा रहा है अपना 65 प्रो मैक्स, जिसकी कीमत बताई जा रही है 6 लाख के आसपास होगी। लेकिन इसके पहले वाले मॉडल की तो कीमत 8 लाख थी, तो इतना सस्ता ये कैसे दे रहा? अब मून पर जाने वाले टूरिस्टों को और भी नए नए एडवेंचर करने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है जिसकी खुदाई पिछले सप्ताह से ही चालू हो गई। अबे यार, लोग चंद्रमा पे ऐसे घूमने जा रहे हैं जैसे कोई पार्क हो। और दूसरी तरफ वैज्ञानिक चंद्रमा पर भारी मात्रा में न्यूक्लियर बम ले जा रहे हैं, जिससे वहाँ खुदाई करके हीलियम 3 निकाल सकें। क्या वहाँ परमाणु बम ले जाना एक सही निर्णय रहेगा, या फिर यह जंग की तैयारी है? 2070 में दुनिया इतनी बदल गई है तो और आगे पता नहीं क्या क्या होगा। चलो चल के देख ही लेते, इसमें सोचना क्या, टाइम मशीन तो है ही अपने पास। वेलकम टू द टाइम मशीन। टिमी? हाँ सर। मुझे और 7 साल आगे लेके चलो। ओके सर। We'll be right back.
डॉक्टर भाई रुको, क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये चांद कैसे टूट गया? तुम्हें नहीं पता? ना। आज से 7 साल पहले कुछ बड़ी कंपनियों ने हीलियम 3 की खुदाई करने के लिए परमाणु बम लेकर चंद्रमा पर गए थे। 5 साल तक तो सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक से ब्लास्ट हुआ और चांद के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसका कोई तो उपाय होगा। हमको क्या पता क्या उपाय है, जिनको पता था वो तो मार्स पर चले गए। लोग मार्स पर रह रहे हैं? हाँ, दुनिया के सबसे अमीर लोग और साइंटिस्ट तो मार्स पर रहने लगे हैं, और हम गरीबों को छोड़कर चले गए मरने के लिए। अबे यार, लोग मार्स पे रह रहे हैं। वेलकम टू द टाइम मशीन। टिमी जल्दी 2024 में चलो।